जब तक आप लोग आवश्यकता अदित्री आई अदित्री का सानवी का कम्बिनेशन चलता वो आती तो ही नहीं आती है, ये आती तो वो नहीं आते। एनी क्वेश्चन इज बाबू, इज बाबू अ स्टेटमेंट, एनी क्वेश्चन इज बाबू अ स्टेटमेंट, ठीक है ना बाबू, दैट टू एक्सप्रेशन बताते बाबू, लिखाते बाबू, समझा रहे हैं टू एक्सप्रेशन बाबू, दैट टू एक्सप्रेशन बाबू आर इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर दो शैतान, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, बस डरा दिया गया, हो गया, यही डराने का काम है। ये कौन है बाबू, कोलिया भोसा, ये कौन है बाबू, रिमूव कर देंगे बाबू, बाबू सा क्या बाबू, रिमूव रिमूव कर देते इसको, लिखो बाबू है सर, किसका बाबू लग रहा है सर, कौन बाबू, कोलिया कौन, बौसा भा, क्या लिखे बाबू सर, कोले बेबूसा, आप हो प्रखर सर, चलो ठीक है ठीक है, देख बाबू आप समझते हैं, आप समझते बाबू, हो गया बहुत हो गया बकवास, 10 मिनट में ऐसे, देखो इक्वेशन क्या होता है, कल भी आपको समझाते शैतान, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझिए, जानविदास लिखी नहीं बाबू, एक ही लाइन तो है बाबू, आदित्य समझो, सानवी अभी नहीं आया, हाँ बाबू इक्वेशन क्या होता है बाबू, इक्वेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन ले लो, एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे 3x + 7 ये मेरा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बाबू, ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा सर, एक आपको और कुछ ले लो अपना मन से सर, जैसे 7 भी है वो, तो इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, है ना बाबू, 0 बाबू, तो इसको भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं ना बाबू, ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, एगो और मान लेते सर, एगो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर दो, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करो बाबू, इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर दो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया सर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया सर, दोनों को क्या करो इक्वल टू साइन, दिस इज द सिंबल ऑफ बाबू इक्वल टू, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कह देंगे बस, और डरा दिया गया और कुछ नहीं किया गया, यही डराने का काम होता है बाबू पढ़ाने में, है ना, तो वही लिखे आई इक्वेशन इज बाबू स्टेटमेंट दैट बाबू 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर बाबू इक्वल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हुआ सर 3x + 7 सर, एगो मान लो ये हुआ सर, ये दूसरा हो गया सर, आई दोनों को इक्वल टू साइन बीच में डाल दो, तो मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना, बस यही होता है इक्वेशन, कुछ नहीं होता बिना इक्वल टू साइन बाबू, विदाउट इक्वल टू साइन दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, अगर बिना इक्वल टू है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन, जानी शर्मा वीडियो ऑन कीजिए, जानी शर्मा बिना इक्वल टू साइन बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे, ऐसे में इक्वल टू साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, है ना, जैसे इसमें और कुछ लिख सकते हैं, जैसे 2 कर दिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सर, सेकंड ये सर, इसको क्या किया, इक्वल टू से ज्वाइन कर दिया, है ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, और कुछ नहीं है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो कहीं भी बाबू इक्वल टू साइन आपको दिखे, कहीं भी इक्वल टू साइन दिखे बाबू, तो इक्वल टू साइन जब भी रहेगा तो उसके एक साइड इधर कुछ टर्म रहेगा, इधर कुछ टर्म रहेगा, है ना, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे इक्वेशन कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सर, देखो फॉर एग्जांपल जैसे बाबू क्या 3x + 5 है, इक्वल टू क्या दिया बाबू, मान लो कि 0 दिया हुआ, ठीक है, मान लो 0 दिया हुआ है ना बाबू, ठीक सर, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सर, जैसे 9x + 7 बाबू इक्वल टू 3, तो दिस इज ऑल्सो बाबू ऑल्सो कॉल्ड बाबू इक्वेशन, है ना, इक्वेशन क्या बाबू, इक्वेशन होंगे, तो इसको अल्टीमेटली 3 इधर लाओगे तो अल्टीमेटली कितना कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो, तो ये भी मेरा क्या सर, इक्वेशन है, ये भी क्या बाबू, इक्वेशन है ना,
ठीक है सर। तो इसमें बाबू इक्वेशन के इधर इक्वल टू साइन के इधर जो टर्म रहेगा, इधर इक्वल टू साइन के इधर वाला जो भी टर्म रहेगा, जो भी इधर टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आरएचएस कहेंगे। इधर हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पे खड़ी हो जाओ, इक्वल टू बाबू इक्वल टू सिंबल पे जाके आप खड़ी हो जाओ, है ना, मुंडी इधर करके। तो इधर जो हैंड जाएगा, ये जो हैंड जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड जाएगा, ठीक है बाबू, राइट हैंड जाएगा, ठीक है ना। और इधर साइड हैंड बोलते इसको क्या कह देंगे, राइट हैंड साइड कर देंगे, राइट हैंड साइड कर देंगे, है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म बाबू क्या लिखते हैं, बाबू आर एच एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं शैतान, आर एच एस लिखते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू साइन वाले इधर, इक्वल टू साइन का इधर है ना बाबू, इधर, ठीक है, ठीक है सर। इक्वल टू साइन बाबू इधर, इस साइड जो भी टर्म रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इधर इधर वाला, इधर वाला थोड़ा इधर वाला करते हो, इक्वल टू साइन के इधर बाबू, इस साइड इक्वल टू साइन बाबू इधर, इधर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल टू साइन, इधर वाला जो भी टर्म रहेगा उसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट बाबू लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे शैतान, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बाबू, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कुछ हो रहा है बाबू, स्पेस नहीं बच रहा ना, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ नहीं है सर, इक्वेशन कुछ नहीं बाबू, दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करो, दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, है ना। दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करो बाबू, इक्वल कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, इक्वेशन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, डरा दिया गया है ना, डरा दिया गया। जैसे बाबू क्या सर, 7x बाबू प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो इधर जो भी टर्म रहेंगे है ना बाबू, इस साइड को क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, इधर क्या कहेंगे बाबू, राइट हैंड साइड, क्या कहेंगे शैतान, राइट हैंड साइड कहेंगे ना, राइट हैंड साइड कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर एच एस लिखेंगे, ठीक। इधर वाले टर्म को बाबू क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एल एच एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल एच एस लिखेंगे ना। इधर लेफ्ट हैंड साइड सर, इधर राइट हैंड साइड, है ना बाबू, ठीक है। आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो ना, ये भी आजकल शैतान होते जा रही है। तो ऐसा बाबू बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 9/3 सर इक्वल टू बाबू इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा क्या है सर, इक्वेशन है, ये भी क्या है सर, इक्वेशन है। जैसे x/3 सर प्लस बाबू कितना, x/4 सर और प्लस 7 सर, है ना, या बाबू प्लस बाबू कितना, y इक्वल टू बाबू 7, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू इक्वेशन, इक्वेशन है ना, इक्वेशन है ना बाबू, इक्वेशन, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कहीं ऐसे दिया हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना बाबू, इक्वल टू 10 दिया हो, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू इक्वेशन, इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू इक्वेशन, इक्वेशन, है ना। तो यहाँ एक के वेरिएबल है ना बाबू, यहाँ देखो एक के को वेरिएबल एक्स, तो ई हो गया ई, वन वेरिएबल इक्वेशन, और पावर वन रहेगा बाबू, आपको पावर का कंसेप्ट बताया ना, अगर एक पावर रहेगा तो उसको कहेंगे लीनियर कहेंगे, पावर दो रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। पावर का तो कंसेप्ट ऑलरेडी, डिग्री और पावर का कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब ध्यान रहना चाहिए ना। तो क्या होगा बाबू, वेरिएबल वन है, पावर एक हो तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी बाबू क्या, एक के पावर है, एक के पावर है बाबू, एक के वेरिएबल है तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बाबू देखो यहाँ कितना वेरिएबल सर, यहाँ एक्स एक्स, तो दोनों सेम है बाबू, एक के वेरिएबल, देखो यहाँ वाई भी है सर, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ कितना वेरिएबल सर, 1, 2, 3, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, है ना बाबू। बस यही कारण किया जाता है, बाकी डराने का काम तो आपको पता है बाबू, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, लीनियर इक्वेशन, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना बाबू। पावर अगर एक रहेगा तो उसको लीनियर कहेंगे, ठीक है ना, पावर दो रहेगा, एक्स के पावर दो रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो ये क्या हो गया बाबू, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्या हो गया शैतान, लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन बाबू, एक के वेरिएबल है बाबू, सिर्फ एक एक से दिख रहा है ना, तो वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन बाबू वन वेरिएबल, ठीक। ये भी बाबू क्या, एक के वेरिएबल है सर, पावर क्या वन है, पावर क्या बाबू वन है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, क्या कहेंगे सता, लीनियर इक्वेशन बाबू, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाबू इन वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ कितना सर, यहाँ दो वेरिएबल है, कैसे सर, एक्स एक्स दो को नहीं सर, एक्स एक्स एक को वेरिएबल है, अरे एक्स बाबू यहाँ पे लिखो चाहे कहीं दूर लिखो, रहेगा तो एक्स है ना, एक्स है ना, ठीक है ना बाबू, लेकिन यहाँ एगो बाई है, एगो बाई है, जिसके कारण बाबू क्या है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल,
सभी की जगह क्या है, पावर वन है, सभी की जगह क्या पावर वन है, पावर वन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे शैतान, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन, पावर वन हो गया तो लीनियर हो गया, है ना, पावर वन हो गया तो लीनियर हो गया, और जितना वेरिएबल रहेगा उसके अनुसार उसका नामकरण करेंगे। तो कितना जाएगा लीनियर इक्वेशन, क्या हो गया सर लीनियर इक्वेशन बाबू, समझ में आता प्रखर, तीन बाबू टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ कितना सर तीन, यहाँ तीन गो वेरिएबल है बाबू, तीन गो वेरिएबल, तो इसका नाम क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, इसको क्या नाम देंगे सेटा, दिस इज कॉल्ड बाबू लीनियर इक्वेशन इन थ्री थ्री वेरिएबल, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन बाबू थ्री वेरिएबल, ठीक है, राइट डाउन करो बाबू, समझे समझना, अभी तक आया कौन, एक बार वो नहीं आई, सानवी नहीं आई है, समझी अदित्रि, अदित्रि तो कल क्यों नहीं आई थी बाबू, बोले ना सर एग्जाम एग्जाम था, तो वीडियो कॉल बंद किया बाबू, अदित्रि आए थे, किस खुशी में वीडियो बंद किया बाबू, नहीं बोलिएगा अदित्रि बाबू, नहीं बोलिए, वीडियो क्यों बंद की हुई हो, हैं बोलिए ना बाबू, आप सबको यहाँ बाबू, अब धीरे धीरे नहीं बोलने का बीमारी हो रहा है, ठीक है ना, बैच डी में बाबू जो नहीं बोलता तो आजकल एकदम बोलना शुरू की है, आप लोग बोलते थे जो फिर नहीं बोल रहे हो ना सर, हाँ बाबू आदित्य बाबू नहीं बोलोगी, यस सर, वीडियो किस खुशी में, यस सर खाली बोलती, इसके सिवा कुछ नहीं सीखे बाबू जिंदगी में, वीडियो किस खुशी में बंद की हो, हाँ बाबू ऑन की हो, दिख गया, चले समझिए, तो ज्योति आपकी दीदी आ गई बाबू, अब ये नहीं बोल रही है, ये ज्योति, हे प्रभु ये सबको क्या जाता बोलने में, समझ में आता है प्रखर, ये भी ना बोलेगी प्रखर, सर इस क्लास में सब ज्यादा हम ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता, बाकी कोई नहीं बोलता बाबू, सबका मुंह बंद रहता है, क्या कर रहे हो शर्मा, सम्राट की किलविस की तरह शक्तिमान में कैसे ऐसे करता था, ऐसे करता था बाबू ओम शर्मा, यस सर, काय प्रकार क्यों नहीं समझ में आता बाबू, सर ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ सर, इक्वेशन और इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कहाँ पढ़ी हो बाबू, सर क्लास में, स्कूल का क्लास में बाबू, और सर ट्यूशन सर वाले भी पढ़ाए हैं सर, चलो ठीक है जल्दी से लिख लेता हूँ सोल्यूशन इसका करवाते हैं, तो स्कूल कब ओपन हो रहा है प्रखर, क्या बाबू, अच्छा चलो ठीक है, जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखे, हाँ बाबू बोल दिया अदित्रि, सर थ्री नंबर में क्या लिखे हैं, एक्स बाय थ्री है शैतान, अदित्य भी यही हो बाबू, हमारे ओम शर्मा लिख के बैठे बैठा हुआ है, एक्स बाय थ्री है, एक्स बाय फोर है अदित्रि, जल्दी लिखिए, लिखिए अदित्रि बाबू जल्दी लिखिए, चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू एक सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन, नेक्स्ट बाबू एक टर्म और बाबू सोल्यूशन, उसके बाद बाबू इसका सोल्यूशन करवाएंगे, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो पहले सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं,
सर आप बोलो सर, अलजेब्रा खत्म हो गया? अरे अभी कहाँ बाबू, अलजेब्रा अभी वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो दुनिया भर के बाबू। सर तो 6 महीना में लगता है खत्म होगा सर, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए ना। दभाई लुआ बाबू, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है बाबू, इसके बाद चैप्टर सब छोटा छोटा। दभाई लुआ बाबू वेरिएबल, इसके बाद जिंदगी में आपको कभी अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दभाई लुआ बाबू वेरिएबल, दभाई लुआ बाबू वेरिएबल दैट सैटिस्फाई डेट सेटिस्फाइड बाबू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू डेट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू डेट सेटिस्फाइड द इक्वेशन बाबू इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सबसे जिंदगी में लंबा चैप्टर बाबू तो यही अलजेब्रा है। एक बार ये खत्म हो गया तो आपका बाबू समझो कि आधा मैथ खत्म हो गया। एक कापी से जाएगा बाबू, एक कापी से कम नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या? लिखो 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 शैतान, लिखो समझा रहे हैं। लिखिए बाबू समझा रहे हैं फिर। हाँ बाबू चलेगा क्या बाबू, कितना दिन और चलेगा ये कोर्स बाबू? देखो अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है, फिर टू वेरिएबल पढ़ना है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, तीन टॉपिक और पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तीन क्लास बाबू, टू वेरिएबल दो क्लास, मैंने है बाबू, ज्यादा दिन का नहीं मेहमान है। दो हफ्ता तो लग ही जाएगा। कोशिश करेंगे बाबू कि जल्दी ये खत्म हो जाए। इसके बाद खत्म होगा तो फिजिक्स शुरू करेंगे। ज्योति बोलिएगा बाबू, ज्योति 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 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? जब फिजिक्स स्टार्ट कीजिएगा ना सर, तो विद्यासागर के बुक से दीजिएगा अलजेब्रा बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। म्यूट करो बाबू, म्यूट करो जानकी शर्मा, म्यूट करो बाबू, बैकग्राउंड से साउंड आता। देखो बाबू सोल्यूशन क्या होता है समझ। फर्स्ट का आंसर आएगा सर 4 और सेकंड का आंसर आएगा -2। म्यूट करो जानकी शर्मा, म्यूट करो बाबू, बैकग्राउंड से बहुत साउंड आते बाबू आपके। देखो सोल्यूशन क्या होता है बाबू, तो सोल्यूशन जैसे ये मेरा क्या सर इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड बाबू इक्वेशन, दिस इज समझो समझो बाद में लिख लेना। अब समझिए आप लोग, थोड़ा तेजी से अब करो बाबू, अब थोड़ा दिमाग भी तेज करो और बाबू लिखने की मैंने लिखने के साथ साथ समझो भी। ये क्या है सर इक्वेशन है सर, ये क्या है सर इक्वेशन है सर, है ना? तो यहाँ पे बाबू एक्स के वैल्यू क्या रखेंगे, है ना बाबू, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे सर कि मेरा आर एच एस वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ एक्स बराबर क्या रखे सर कि 5 आ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आदित्री बताओ बाबू, एक्स की वैल्यू क्या रखें जिसमें एक ऐड, एक्स की जिसमें एक ऐड करने पे बाबू 5 आ जाए, एक्स का वैल्यू क्या रखें जिसमें एक जोड़े पे 5 आ जाए, जो वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे, हाँ बाबू जो वैल्यू रखेंगे, हाँ बाबू हाँ बाबू हाँ वेरी गुड, ऐसे तो बोलवे करोगे। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू रखेंगे बाबू वही क्या होगा सोल्यूशन होगा, वही क्या होगा बाबू सोल्यूशन होगा, है ना? जैसे यहाँ एक्स प्लस 2 बराबर 0 है, है ना? तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखे सर कि उसमें 2 ऐड करने पे क्या हो जाए 0 हो जाए, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखे सर कि उसमें 2 ऐड करो तो 0 हो जाए, तो -2 रखोगे, एक्स बराबर -2 सोचोगे तो -2 प्लस 2 क्या 0 हो जाए, तो एक्स बराबर 2 क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, एक्स बराबर 4 क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, एक्स बराबर -2 क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, है ना बाबू सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एक तो ऐसे इसको तो आप सोच लेते हो सर एक्स की वैल्यू, लेकिन सर अगर ऐसे दे दे सर थर्ड नंबर थ्री ऐड करने पे 1 आ जाए, तो यहाँ पे सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, क्या हो जाता बाबू डिफिकल्ट हो जाता। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बाबू कि उसको बाबू 2 से डिवाइड दो और बाबू क्या करो 3 सब्ट्रैक्ट करो तो मेरा 1 आ जाए, है ना? तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। इसमें अगर ऐसे भी दे दिए बाबू तो और हमको सोचने दिक्कत हो जाए, जैसे एक्स बाई 7 बाबू प्लस बाबू 3x बाई 2 है ना बाबू 12x5। अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखें, यहाँ क्या रखें बाबू कि दोनों को ऐड करो तो 5 आ जाए, तो हम नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। तो यहाँ से बाबू एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका है, यहाँ बाबू कैसे निकालेंगे वो आपको समझा रहे हैं ना बाबू। तो जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे बाबू, वैल्यू निकालेंगे वही मेरा क्या कहलाएगा सोल्यूशन कहलाएगा। आप समझो कैसे निकालेंगे, इधर प्लस 1 बाबू, इधर क्या प्लस है,
तो कोई भी चीज बाबू, कोई भी चीज अगर लेफ्ट से बाबू राइट साइड जाएगा, ये बाबू क्या लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा बाबू तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस इधर बाबू इसको लिखा देते, इसको कंसेप्ट करके लिखा देते बाबू, है ना, लिखा देते तब आपको बाबू अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो बाबू ऐसे समझना, ऐसे समझना शैतान, ऐसे समझना थोड़ा सा, इसको कंसेप्ट करके लिखाते फिर इसको सोल्व, इसको सोल्व।